तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ एक बीकन, वो भी हर माइनक्राफ्ट के ब्लॉक से। कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएंगे और कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, वीडियो के एंड तक जो हमारे पास बीकन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो भी मुझे बनाना है एक बीकन जिसमें लगने वाले माइनक्राफ्ट के सारे ब्लॉक्स, तो अभी स्टार्ट कर सकता हूं मैं सबसे पहले सिंपल ब्लॉक से। और हाँ, इस चैलेंज का एक रूल भी है, तो मेरे पास जितने भी ऑलरेडी ब्लॉक्स रखे हुए हैं मैं उनको यूज नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सारे ब्लॉक्स ही रखे हैं जो माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए तो जितने ब्लॉक्स भी मैं बीकन में लगाने वाला हूं वो सबसे पहले मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि इस चैलेंज को और ज्यादा मस्त बना देता है। तो ये वाला बीकन बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो सबसे पहले थोड़ी सी सैंड और ग्रेवल कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं व्हाइट कंक्रीट बना के एकदम बड़े वाले आयरन के बीकन का लुक दे सकूं। और अब बारी है ग्रेवल की, तो जल्दी से वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अब जितना कंक्रीट पाउडर मेरे पास है उसको जल्दी से नॉर्मल कंक्रीट बना देता हूँ। तो गाइस मैं क्या सोच रहा था, मैं पिछले आधे घंटे से ये कंक्रीट वगैरह का झंझट कर रहा हूँ ताकि वो बड़ा वाला आयरन के बीकन की फील आ सके, बट मैं तो एक्चुअल आयरन के ब्लॉक्स ही यूज कर सकता हूँ इस चीज के लिए। गेम बीट भाई देखो, मैंने सारी चेस्ट भर के रखी है आयरन से और मैं इतनी देर से जस्ट कंक्रीट कलेक्ट कर रहा हूँ जिससे लगे बीकन बड़ा वाला कि आयरन का बना हुआ है। भाई मैं कितना बड़ा पागल इंसान हूँ। अब चलो जल्दी से सारी आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ और उनको ब्लॉक्स में बदल देता हूँ। तो गाइस जो मैं बड़ा वाला बीकन बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ अपने घर के बहुत ज्यादा पास। इस वाली जगह पर एकदम मस्त रहेगा उस बीकन को बनाने के लिए, तो चलो जल्दी से थोड़ी सी जगह साफ कर देता हूँ, लाइक ये मैंग्रोव ट्री वगैरह हटा देता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस फाइनली मैंग्रोव ट्री हटा दिया और जो बीस के लिए एक छोटा सा घर बनाया था या फिर कुछ ऐसा ही था, हाँ वो भी साफ कर दिया। तो अब जल्दी से बना लेता हूँ एक बड़ा सा आयरन बीकन। तो गाइस फाइनली आयरन बीकन बड़ा सा एकदम बनके तैयार हो गया, बट यहाँ पे देखो यार कितने सारे गड्ढे बन रखे हैं। तो सबसे पहले मुझे इनको एकदम फिल करना पड़ेगा और इस पूरी जमीन को प्लेन करना पड़ेगा, तो चलो जल्दी से ये भी कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली देखो आसपास की जगह एकदम प्लेन होगी और मेरे पीछे कितना बड़ा आयरन का बीकन बन के एकदम रेडी हो गया। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा बनाने वाला हूँ आयरन का बीकन। चलो ब्लॉक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहला ब्लॉक होने वाला है अपना ग्रास का ब्लॉक और सेकंड होगा डर्ट का ब्लॉक। सबसे सिंपल ब्लॉक्स थे इनको कलेक्ट करना, और अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ब्लॉक्स को कलेक्ट करना उतना ही ज्यादा हार्ड होता जाएगा। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने पैरामीटर पर, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स मुझे इजीली मिल जाएंगे, लाइक जितने भी केव्स के ब्लॉक्स होते हैं डीप स्लेट वाले और नॉर्मल वाले वो सारे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और हमें ओर्स को तो भूल ही गया था, तो यहाँ से इजीली मुझे ओर्स भी मिल जाएंगे, तो उनको भी ले लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस मैंने नॉर्मल केव्स वाले सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए और एक सेकंड मेरी इन्वेंटरी भर गई, तो जल्दी से अपनी इन्वेंटरी का सारा सामान रख देता हूँ इस शेल्कर बॉक्स में और फिर लग जाता हूँ डीप स्लेट के ब्लॉक्स कलेक्ट करने में। और एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, ये इनविजिबल स्पाइडर है क्या? और भाई एक नहीं आता, दो दो इनविजिबल स्पाइडर है भाई साहब। लोग बोलते हैं ये बहुत ज्यादा रेयर है, भाई मरने नहीं देना इनको। और एक तो मेरे पूरे आर्मर पे थॉर्न्स और लगाई है, जल्दी मर जाएगी उसकी वजह से। भाई थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता हूँ, ये मेरे पास ना आए। ओके अभी ये मुझे नहीं मार रहे, इनका थोड़ा सा ध्यान भटक गया मेरे से। ओ भाई ये तो खुद ही कूद कूद के मर रहे हैं, भाई मैं नहीं चाहता दूसरी वाली मर जाए गलती से भी। तो जल्दी से देख लेता हूँ मेरे पास कोई नेम टैग है या फिर नहीं है। तो बस मैंने देखा कि मेरे पास कोई भी नेम टैग नहीं है, और डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं जब नेम टैग लेने जाऊँगा तो ये वाली स्पाइडर डिस्पॉन हो जाएगी, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ये डिस्पॉन हो जाए। इसलिए यस मैंने ये डिसीजन बनाया कि मैं इसको मार देता हूँ, बहुत अच्छा डिसीजन है मुझे पता है। साले तू भाई मैं इसको डिस्पॉन होते हुए नहीं देख पाता, इसलिए मैंने इसको मार दिया। चलो पहले से मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, अब लग जाता हूँ सारे डीप स्लेट के ब्लॉक्स कलेक्ट करने में।
तो गाइस उस पेरीमीटर की हेल्प से मैंने केव्स के सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए, जस्ट चार ओर्स बचे हैं। सबसे पहले डीप स्लेट और नॉर्मल वाले डायमंड्स और सेकंड डीप स्लेट और नॉर्मल वाले एमराल्ड के ओर, ये दोनों ऑब्जेक्ट मुझे कलेक्ट करने हैं और फिर अपने सारे केव्स के ब्लॉक्स कलेक्ट हो जाएंगे। ओके चलो फाइनली यहाँ पे डीप स्लेट डायमंड्स मिल गए हैं, इनको ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, अब जस्ट तीन और ओर्स कलेक्ट करने हैं। ओके गाइस यहाँ पे डीप स्लेट कोल है और मैं इसके बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था, और हम वैसे लोग तो बोलते हैं ये बहुत ज्यादा रेयर है और यहाँ पे तो इतने सारे और लगे हैं, चलो सारे ले लेता हूँ और अभी बाकी के सारे और ढूंढ लेता हूँ। भाई जहाँ देखो ये डीप स्लेट डायमंड मिल रहे हैं, नॉर्मल वाले मिल ही नहीं रहे भाई आधा घंटा हो गया ढूंढते। चलो अब जल्दी से ढूंढ लेते हैं, रुको शायद आगे है। अबे भाई, और भाई ये कॉपर भी ना हमेशा ध्यान भटकवा देती है, भटका देती है, हाँ भटका देती है। तो गाइस बचे हुए बस वही तीन ओर रह गए, बाकी मैंने सारे ओर कलेक्ट कर लिए। तो चलो अभी अपने बेस पर वापस चलता हूँ। एक सेकंड, क्या ये एमराल्ड ओर है? यस गाइस फाइनली हमको एमराल्ड ओर नॉर्मल वाला मिल गया है, जल्दी से इसको भी ले लेता हूँ। और अब बस दो ओर बचे हैं और मुझे पता है वो इजीली मिल जाएंगे बस अगर मैं अच्छे से ढूंढूं तो। एक सेकंड इस वाली केव को चेक कर लेता हूँ, शायद इसमें मिल जाए। तो गाइस फाइनली मैं दोबारा से गया हूँ अपने बेस पर और यस मुझे वो दोनों ओर्स नहीं मिले, तो उनको मैं बाद में ढूंढ लूंगा। और वैसे भी मुझ पर एक 360 ब्लॉक्स की बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मुझे काफी सारे ब्लॉक्स और भी कलेक्ट करने हैं। तो अभी मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ ओवरवर्ल्ड के ऊपर ऊपर के जितने भी ब्लॉक, लाइक वर्ल्ड लीव्स ग्रास मशरूम जितने भी ब्लॉक्स होते हैं जल्दी से उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस पहले मैंने काफी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं और अभी मैं सोच रहा था भाई 360 तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, इतने सारे ब्लॉक्स कैसे कलेक्ट करूंगा। बट अभी मेरे दिमाग में आया कि भाई क्राफ्ट भी तो कर सकते हैं काफी सारे ब्लॉक्स, जैसे कि कंक्रीट के कितने सारे वेरिएंट हैं, शेल्कर बॉक्सेस के कितने सारे वेरिएंट हैं, लाइक ये पंपकिन ही देख लो, एक नॉर्मल वाला पंपकिन, एक कार्व्ड वाला पंपकिन, और अभी मैं इसको जैको लैंटर्न भी बना दूंगा, तो तीन हो गए ना अलग अलग वैरायटी के पंपकिन। ऐसे काफी सारे ब्लॉक्स मुझे इजीली मिल जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो मैंने कितने सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए, अप्रॉक्स दो शेल्कर बॉक्स पूरे भर दिए, मैंने सारे केव्स के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए और जितने भी वुड्स की टाइप होती है मैंने सबके लॉग्स और लीव्स कलेक्ट कर लिए। बस अकेशिया जंगल और जो नई वाली आई है ना वुड टाइप, क्या नाम है उसका, स्वैम्प में मडी, नहीं मडी, अरे वो वाली कौन सी वाली, अरे मैंग्रोव, यस अपना मैंग्रोव को कलेक्ट नहीं किया, तो इन तीनों वुड टाइप की चीजें और कलेक्ट करनी है मुझे। तो एक काम करता हूँ, ये वुड टाइप और डायमंड्स वगैरह तो इजीली मिल जाएंगे, सबसे पहले ओशन के कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ ओशन मॉन्यूमेंट पे, जहाँ से मुझे ओशन मॉन्यूमेंट के ब्लॉक्स मिल जाएंगे काफी सारे। तो चलो जल्दी से इसके अंदर चलता हूँ और एक सेकंड यहाँ पे केव जा रही, भाई यहाँ पे क्या मुझे डायमंड्स मिल जाएंगे? भाई ये इफेक्ट चढ़ा, अरे भाई यार नहीं, इसने इफेक्ट चढ़ा दी और मुझे ये नॉर्मल वाले डायमंड्स भी मिल गए, यार पूरा दिमाग खराब कर दिया भाई इसने। चलो गाइस अभी मैं इफेक्ट हटा के आ गया हूँ और अपने साथ एक मिल्की बकेट ले आया हूँ, अब जल्दी से माइन कर लेता हूँ इन सारे डायमंड्स को। अब चलो जल्दी से थोड़े थोड़े सिंपल ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अभी जंगल वुड, थोड़े से मेलन्स, अकेशिया वुड, नॉर्मल सैंड और नॉर्मल सैंड के साथ रेड सैंड भी, और फाइनली थोड़ा सा नॉर्मल टेराकोटा जिसमें मैं अलग अलग डाय की हेल्प से बाकी टेराकोटा और ले लूंगा। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ एंड वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने सोचा भाई एंड के ब्लॉक्स तो सबसे सिंपल हुए ना कलेक्ट करने में, और वैसे भी एंड में तीन चार ब्लॉक टाइप ही तो होते हैं, तो चलो जल्दी से सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मल एंड स्टोन को, और ये भी तोड़ लेता हूँ शायद कुछ काम आ जाए, एंड फाइनली ये वाली ब्रिक्स ले लेता हूँ, क्योंकि इनसे ही जितने भी अलग अलग टाइप की ये पर ब्रिक्स होती है वही बनती है, तो नॉर्मली यही ले लेता हूँ, बाकी तो क्राफ्ट कर लूंगा। और हाँ शेल्कर भाई को कैसे भूल गया आपने, जल्दी से शेल्कर भाई को भी तो मार दूं। अब जल्दी से चलता हूँ वापस अपने ओवरवर्ल्ड में। तो गाइस मैंने सोचा बीकन की जो सबसे नीचे वाली लेयर बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं ओवरवर्ल्ड के ब्लॉक से, और बस उसमें एक चीज की कमी बची अभी, मैंग्रोव वाली चीजों की। तो अभी जल्दी से मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक मैंग्रोव बायोम और वहां से लकड़ियां वगैरह लेके आनी पड़ेगी, तो लेट्स गो जल्दी से चलते हैं और लेके आते हैं वहां से सारी चीजें। तो गाइस फाइनली काफी ज्यादा ढूंढने के बाद यहां पे मुझे मिल गई एक मैंग्रोव बायोम, और भाई पहली बार मैं आ रहा हूं एकदम अच्छे से मैंग्रोव बायोम में, जल्दी से यहां से सामान ले लेता हूं। तो सबसे पहले इसकी लीव्स ले लेता हूं, और अभी ले लेता हूं इसके लॉग्स, और पता नहीं ये क्या है लेकिन जो भी ले लेता हूं फुल ब्लॉक ही है। और हाँ भाई इस स्पेशल मिट्टी को कैसे भूल सकता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ। तो गाइस अभी माइनक्राफ्ट में मैंने अपने वर्ल्ड में पहली बार ये फ्रॉग्स देखे, और भाई देखो कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और हाँ अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं इनसे फ्रॉग लाइट जो होती है ना, तीन टाइप की होती है, वो बना सकता हूँ, जस्ट मुझे उसके लिए इनकी ब्रीडिंग करानी है, फिर मुझे टेडपोल उठा के वापस पक जाना है, फिर बाकी काम तो मैं कर ही लूंगा, बस इनको टेडपोल ही तो देने हैं। ओके गाइस फाइनली इसने ये अंडे दे दिए, अब जल्दी से बकेट में भर लेता हूँ इसको, कैसे भर
भाई मैं कितना स्टूपिड हूँ यार, करीबन उसने आधे घंटे बाद तो अंडे दिए थे और वो भी मैंने ऐसे उड़ा दिए। यार पूरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं ये अंडे कब देंगे दोबारा से। भाई अंडा दे दे, वेट एक सेकंड, ओ भाई इसने ऑलरेडी यहाँ पे अंडे दे रखे और मेरा ध्यान ही नहीं गया। चलो जल्दी से इसको कवर कर देता हूँ, भाई कोई भी आके अगर इन अंडों को तोड़ गया तो एकदम गुस्सा आ जाएगा मुझे। यहाँ पे जस्ट वेट कर लेता हूँ टेडपोल्स के आने का। तो गाइस फाइनली अंडे फूट चुके हैं और यहाँ पे तीन टेडपोल निकले, मुझे तो लगा था एक ही टेडपोल निकलेगा। चलो जल्दी से तीनों टेडपोल को भर लेता हूँ और दोबारा से चलता हूँ अपने बेस पे। तो गाइस अभी मुझ पर काफी सारे ब्लॉक्स तो हो ही गए हैं, तो चलो जल्दी से सारे ब्लॉक्स को यहाँ पे लगा देता हूँ। गाइस मैं हेबेल के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था, चलो जल्दी से यहाँ पे हेबेल के लिए भी थोड़े से ब्लॉक्स ले लेता हूँ। और हाँ इससे टारगेट ब्लॉक भी बन जाएगा तो वो भी बना लेंगे हम। और ये बना लिया अपना हेबेल और अब लगा लेता हूँ अपने थोड़े से केव्स के ब्लॉक। तो गाइस फाइनली मैंने बीकन की पहली लेयर एकदम बना दी इजिली और भाई देखो कितनी सही लग रही है पहली लेयर। यहाँ पे मैंने सारे वुड के टैप लगा दिए, लीव्स लगा दिए और थोड़े से केव्स के ब्लॉक लगा दिए और देखने में अभी तक तो अपना बीकन एकदम मस्त लग रहा है। अब चलो थोड़े से और ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ले लेता हूँ थोड़े से स्नो बायोम के ब्लॉक्स, यहाँ से ले लेता हूँ पैक्ड आइस जिससे मैं बना लूंगा ब्लू आइस और यहाँ से ले लेता हूँ नॉर्मल आइस एंड फाइनली यहाँ से ले लेता हूँ स्नो। और हाँ मैं पाउडर स्नो को कैसे भूल गया था, यहाँ से पाउडर स्नो भी ले लेता हूँ। तो भी अपने पास इनफ ब्लॉक्स हो गए हैं सेकंड लेयर बनाने के लिए, तो चलो जल्दी से वो बना लेते हैं। एक सेकंड में स्ट्रॉन्ग होल्ड के ब्लॉक्स के बारे में तो भूल ही गया था, तो चलो जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड चलता हूँ और वहाँ पे जितने भी ब्रिक्स होती हैं वो लेके आता हूँ। यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रिक, ये मॉसी ब्रिक और ये फूफी ब्रिक, सारी ब्रिक ले ली मैंने। अब जल्दी से दोबारा चलते हैं और यहाँ पे अपना स्मूथ स्टोन भी बन के रेडी हो गया, तो अभी ब्रिक्स की बारी आ गई थोड़ी सी। और अब थोड़े से एंड के ब्लॉक्स, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे ब्लॉक्स ऑलरेडी मैंने सेकंड लेयर के लगा दिए। और यहाँ पे लगा रहा हूँ अभी मैं पंपकिन और फिर मेलन, यस। एंड अभी मुझे याद आया कि मैं एंशियंट सिटी वाले ब्लॉक्स नहीं लाया हूँ, तो चलो जल्दी से वार्डन भैया के पास चलते हैं। देख रहा है विनोद कैसे वीडियो को टुकड़ टुकड़ देखे जा रहे हैं और अभी तक वीडियो लाइक भी नहीं करी, जल्दी से लाइक करो। चलो इस वीडियो पे 15K लाइक्स चाहिए मुझे, लाइक करो। ओ भाई यार ये मेरे वर्ल्ड में क्या क्या होता रहता है। देखो मैं नदर के टॉप से कहीं जा रहा था और भाई यहाँ पे पूरी आग जल रखी है और ये देखो यहाँ से बेडरॉक ही हट रखा है, क्या मैं इससे नीचे देख सकता। लो भाई पूरा का पूरा बेडरॉक हटा दिया, नीचे तक एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। भाई मेरे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है सही में, मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है इस वर्ल्ड में। ओके फाइनली नेदर पोर्टल के थ्रू आ गया बट मैं एक केव में आया हूँ और यहाँ पे डायमंड भी है। भाई इतना अच्छा स्वागत हुआ है, अभी तो मतलब सारा सामान मिल जाएगा मुझे। चलो अभी सबसे पहले ऊपर चलता हूँ और फिर एक एंशियंट सिटी को ढूंढते हैं। ये किया ऊपर माइन और ग्रेवल आ गया। एक सेकंड ये ब्रिक कैसी थी भाई, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्या? भाई ग्रेवल गिरे जा रही है और यहाँ पे ब्रिक्स भी आई जा रही हैं। भाई यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्या, मैं किसी स्ट्रॉन्ग होल्ड में निकला है शायद। ओके गाइस जिसको मैं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड समझ रहा था वो एक रुइंड ओशियन स्ट्रक्चर है। और एक सेकंड भाई यहाँ पे दो दो चेस्ट क्या कर रही है, भाई मैंने नॉर्मली देखा तो नहीं है कभी यहाँ पे दो चेस्ट होती है। लिटरली गाइस अपने वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा है। तो गाइस फाइनली मैं उस जगह पे आ गया जहाँ पे है एंशियंट सिटी बट यहाँ पे तो लावा बह रहा है भाई, आई थिंक आसपास में ही होगी। चलो फाइनली मैं आ गया उस जगह पे और देखो भाई यहीं पे लावा बह रहा था। चलो अब जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ एंशियंट सिटी के सारे ब्लॉक। और हाँ एंशियंट सिटी का जो मेन ब्लॉक होने वाला वो होने वाला है स्कल कैटलिस्ट। चलो इस चेस्ट के अंदर से भाई दो दो स्कल कैटलिस्ट मिल गए, सही है, अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो जल्दी से बाकी सारे ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ और अब टाइम है अपने बेस पर वापस लौटने का। लेकिन एक सेकंड भाई इस वाली एंशियंट सिटी में से तो मैंने लूट ही नहीं करी, चलो जल्दी से लूट कर लेता हूँ। इस वाली चेस्ट में तो कुछ नहीं रखा, आई थिंक इस वाली चेस्ट में कुछ अच्छा मिल जाए। यस भाई एक नॉच एप्पल इतनी इजीली मिल गया, अच्छा वो तो मैं वापस आके चेक करने लग गया। तो गाइस फाइनली मैं दोबारा से आ गया अपने बेस में और पता नहीं क्यों इस बीकन के अंदर से मुझे बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी। तो ओ भाई भाई यहाँ पे तो कितने सारे मॉब्स स्पॉन हो रखे हैं। अभी ऐसा करता हूँ इस वाले ब्लॉक को माइन करता हूँ और इसके अंदर टॉर्चेस, ओ भाई एक सेकंड भाई क्रीपर फटने वाला था। अब ऐसा करता हूँ इस बीकन के अंदर के जितने भी मॉब्स हैं उनको मारता हूँ और फिर टॉर्चेस लगा देता हूँ। चलो फाइनली ये भी गया, अब जल्दी से यहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ जिससे और मॉब्स स्पॉन ना हो। तो गाइस एंड वर्ल्ड के सारे ब्लॉक्स तो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए और अब टाइम है नेदर वर्ल्ड के सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करने का, एक्सेप्ट एंशिएंट डेब्रिस एंड नेदरराइट ब्लॉक। हाँ ये दोनों ब्लॉक्स मैं बाद में कलेक्ट करने वाला हूँ, तो सबसे पहले नेदरैक, थोड़े से गोल्ड नगेट की ओर और हाँ क्वार्ट्ज को कैसे भूल सकते हैं हम, क्वार्ट्ज भी ले लेता हूँ सारा। और अब क्रिमसन बायोम के सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ और अब फोर्ट्रेस ब्लॉक्स भी ले लेता हूँ और बेसल्ट बायोम के ब्लॉक्स को कैसे भूल सकता हूँ मैं, सोल सैंड बायोम एंड गाइस फाइनली अपनी फेवरेट बायोम यानी वॉर्प्ड बायोम। तो अभी जल्दी से इसके भी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ।
12 seconds later. और हाँ, बेसन के बारे में तो मैं भूल ही गया था, तो बेसन के भी तो सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करने हैं, और वैसे भी यहाँ पे कितने सारे ब्लॉक्स हैं, अपने बीकन को बनने में आसानी होगी। इस चेस्ट के अंदर क्या रखा है? ओ भाई साहब, लोडस्टोन। भाई लोडस्टोन के लिए मुझे अलग से एक नेदरराइट इंगट कलेक्ट करना पड़ा, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक लोडस्टोन है। सही है भाई, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया। चलो अब जल्दी से बाकी सारे ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस फाइनली मैंने सारे नेदर के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए, और अब फाइनली टाइम है इनको प्लेस करने का। तो चलो जल्दी सारे ब्लॉक्स को प्लेस कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी अपने बीकन की सेकेंड लेयर जस्ट कंप्लीट होने ही वाली थी, बट यहाँ पे एक ब्लॉक कम है, और वो है रेड नेदर ब्रिक। और उसको बनाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी नेदर वॉट ही नहीं है, तो अभी मुझे दोबारा से नेदर के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से नेदर वॉट लेके आना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से लेके आते हैं। ओके फाइनली मैं नेदर के अंदर तो आ गया, और इस वाली नेदर फोर्ट्रेस में तो मिल जाना चाहिए। अरे यहीं पे लगा हुआ है भाई नेदर वॉट, चलो जल्दी से ले लिया मैंने, और ये लगा देता हूँ यहाँ पे। और फाइनली अपनी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है गाइस बीकन की, और अब टाइम है थोड़े से और ब्लॉक्स कलेक्ट करने का। तो गाइस मैं इस वाले ओशियन मॉन्यूमेंट पे थोड़ी देर पहले आया था, बट डायमंड के लालच में मैं भूल ही गया था कि इसके भी ब्लॉक्स कलेक्ट करने हैं। तो चलो अभी जल्दी से सारे ब्लॉक्स ओशियन मॉन्यूमेंट के कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जल्दी से मार दे तो उस एल्डर गार्डियन को। भाई मर जा। ओ भाई ये हेल्थ तो बहुत तेज डाउन कर रहा है। ओ भाई साहब एक हट हो गया, एक हट भागे भागो भागो। ओ शिट मेरा टोटम पॉप अप हो गया। भाई साहब सही टाइम पर गेम बंद कर दे, और इसके जो छोटे छोटे चिरकुट है वो भी मार रहे हैं। भाई अभी काम करता हूँ, गेम को बंद करके दोबारा से चलाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ओके गेम स्टार्ट हो गया, अब जल्दी से वॉल बनानी है, और अपने आप को एक जगह पे बंद कर लेता हूँ, फिर ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो भाई साहब बाल बाल बच गया, और सबसे डर की बात है भाई मैं अपने साथ टोटम नहीं लाया, लेकिन अभी मुझे उसको मारना ही पड़ेगा वरना मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। तो चलो जल्दी से उसको मारता हूँ। मार जा बल जा भाई। ओके गाइस फाइनली चलो उसको मार दिया, और एक स्पंज भी मिल गया। और हाँ स्पंज से आता है मुझे स्पंज भी कलेक्ट करना है, वेट वाला एक नॉर्मल वाला। तो चलो जल्दी से स्पंज रूम ढूंढ लेता हूँ। चलो यहाँ पे एक स्पंज रूम मिल गया, यहाँ से जल्दी से सारे स्पंजेस को तोड़ लेता हूँ। और अब फाइनली मैंने ओशियन मॉन्यूमेंट के सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं, अब दोबारा से चल के अपने बीकन पे इनको लगा देते हैं। तो गाइस मैं दोबारा से आ गया अपने बीकन पे, और अभी मुझे क्या याद आया कि हम कलर वाले ब्लॉक्स भी तो लगा सकते हैं। लाइक इतने सारे कलर के वूल्स होते हैं, शेल्कर बॉक्सेस होते हैं, और टेराकोटा होता है, ग्लासेस होते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या होता है। तो चलो जल्दी से सारे ब्लॉक्स को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे कलर वाले ब्लॉक्स लगा ही रहा था, लेकिन मैंने अपनी जब लिस्ट चेक करी 360 ब्लॉक्स की, तो वहाँ पे मुझको दिखा कि मैं यहाँ पे पॉलिश ग्रेनाइट एंडेसाइट और डियोराइट लगाना तो भूल ही गया, और हाँ उसी के साथ रॉ आयरन ब्लॉक, रॉ कॉपर ब्लॉक और ऐसे और भी ब्लॉक्स बनाना भूल गया। तो चलो सबसे पहले अभी उनको ही कलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस जो 360 ब्लॉक में लगाने वाला हूँ उनमें से कुछ विलेजर के वर्क स्टेशन भी हैं, क्योंकि वो एक फुल ब्लॉक है तो उनको भी लगाना तो बनता है। तो चलो जल्दी से उनको भी ढूंढ लेता हूँ और फिर लगा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कितने सारे ब्लॉक्स मैंने एक साथ लगा दिए, और इतनी ऊपर तक अपना बीकन बन चुका है अभी तक। और हाँ अभी मुझे कलेक्ट करने हैं कुछ कोरल ब्लॉक, तो चलो जल्दी से चलता हूँ किसी वॉर्म ओशन पर, और वहाँ से कोरल ब्लॉक लेके आता हूँ। ओके चलो यहाँ पे तो आ गया, अब जल्दी से यहाँ से सारे कोरल ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब सारे कोरल ब्लॉक्स को इस बीकन पे लगा देता हूँ। और हाँ भाई देखो कितने अच्छे कलरफुल ये कोरल ब्लॉक है, बट थोड़े टाइम बाद ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे, पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है। तो अभी फाइनली हमने बीकन को काफी हद तक कंप्लीट कर लिया, और अभी मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है माइनिंग करने का, तो अभी चल के करते हैं नेदरराइट की माइनिंग। तो गाइस फाइनली पूरे एक घंटे के माइनिंग के बाद मेरे पास टोटल आ चुके हैं 38 एंशिएंट डेब्रिस, जिससे मैं पूरा एक नेदरराइट का ब्लॉक बना सकता हूं, और तो भी मुझे दो एंशिएंट डेब्रिस एक्स्ट्रा बचेगी जो मैं अपने बीकन पे लगा दूंगा। और अभी देखो गाइस कितने सारे यहां पे मैंने अलग अलग ब्लॉक्स लगा दिए हैं। भाई साहब स्टार्टिंग में ये बीकन कैसा लग रहा था, और अभी कितना सही लग रहा है ये बीकन। तो अभी जल्दी से मैं इस डर्ट को कन्वर्ट कर लेता हूं, वो जो ब्लैक कलर की मिट्टी होती है ना मैंग्रोव वाली बायो में मिलती है, यस उसी में, क्योंकि मैं बनाने वाला हूं पैक्ड मड और मड ब्रिक जो कि देखने में एकदम मस्त लग। तो चलो जल्दी से ये कर लेता हूँ। और अब काफी कम ब्लॉक्स बचे हैं जो मुझे इस बीकन में लगाने हैं, तो मैं इस साइड लगा देता हूँ सारे ब्लॉक्स को जो मुझे लगाने हैं इस वाले बीकन।
तो गाइस देख सकते हो मेरे कितने ब्लॉक्स बचे हैं लगाने के लिए अभी बीकन पे। और यहाँ पे मैंने कॉपर इतने सारे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि मैं इसके ऑक्सीडाइज होने का वेट कर रहा हूँ, जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा और वो भी मैं यूज कर सकता हूँ। चलो फाइनली मुझे आखिरी ट्राइंग ऑब्सीडियन मिल गया जिससे मैं बनाने वाला हूँ रिस्पॉन एंकर, वो भी एक ब्लॉक ही होता है ना। यहाँ पे एक बी हाइव भी तो है, चलो जल्दी से इसको भी तोड़ लेता हूँ, ये भी काम आ जाएगा अपने। और गाइस मैं इस वाली चीज के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था जो बीज लेके रखी हुई है, चलो जल्दी से इसको तोड़ लिया, यहाँ से बंद कर देता हूँ और अब ये मेरे काम आ जाएगा। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो मैंने कितने सारे ब्लॉक्स बना लिए हैं जो मैं बनाना भूल गया था पहले। तो अब जल्दी से इन सारे ब्लॉक्स को लगा देता हूँ अपने बीकन पे। तो गाइस फाइनली देख सकते हो मैं जितने भी ब्लॉक्स लेके आया था वो मैंने यहाँ पे लगा दिए, बट अभी भी ये बीकन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया। मुझे जो इस बीकन के सबसे नीचे वाली लेयर थी वो बनानी थी 19x19 की, बट मैंने बना दी 21x21 की। और सबसे नीचे वाली लेयर में मैंने टोटल लगाए 80 ब्लॉक्स जो ऊपर के पूरे बीकन को भी कंप्लीट कर सकता है। कुछ ब्लॉक्स रह जाएंगे, बाकी तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अभी मुझे इस पूरे बीकन को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, तो चलो जल्दी इसे तोड़ देता हूँ। तो बस फाइनली देख सकते हो मैंने पूरा बीकन हटा दिया है और अभी मुझे दोबारा से बीकन का बेस बनाना पड़ेगा, तो चलो जल्दी से वो बेस बना लेता हूँ। और जो मैंने स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई थी वही मैं दोबारा से दिखा दूंगा क्योंकि भाई मैं दोबारा से उसको एडिट तो करने वाला नहीं हूँ और तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो अभी पूरे बीकन का बेस एकदम रेडी हो चुका है। इस बीकन को तोड़ते तोड़ते मैंने कुछ ब्लॉक गलती से गायब भी कर दिए, तो भी वो मुझे सबसे पहले कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कलेक्ट कर लेता हूँ पाउडर आइस, और यहाँ पे मशरूम के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो मैंने गलती से तोड़ दिए थे तो उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ बस इतने ही ब्लॉक्स थे। और गाइस अब लगा देता हूँ मैं वो सारे ब्लॉक्स जो अभी तक मेरे पास हैं वो एक ही बारी में इस बीकन पे। तो गाइस फाइनली देख सकते हो अपना बीकन कहाँ तक कंप्लीट हो गया, बट अभी भी कुछ ब्लॉक मिसिंग है। यस अपना डीप स्लिट एमराल्ड का ओर, और हाँ मैं माइसिलियम के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गया था, तो वो भी मुझे लेके आने, और जितने भी ब्लॉक्स बचे हैं मैं जल्दी से उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इस बीकन को कंप्लीट करते हैं। भाई कहाँ पे है यार डीप स्लिट एमराल्ड का ओर, कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। एक सेकंड गाइस फाइनली मुझे मिल गया डीप स्लिट एमराल्ड का ओर। इसको ढूंढने में मैंने 4 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगा दिया। चलो गाइस फाइनली ये ब्लॉक मिल गया, अब जल्दी से इसको जाके लगा देता हूँ अपने बीकन पे। और गाइस मैं तो जस्ट लौट ही रहा था और यहाँ पे एक मशरूम बायोम भी मिल गई। भाई साहब अपना लक अब बढ़िया हुआ है भाई, स्टार्टिंग से तो हगसता ही जा रहा था। चलो जल्दी से बाकी बचे कुछ ब्लॉक्स और कलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली गाइस मैंने बनाए थे ये ह्यूज बीकन, वो भी माइनक्राफ्ट के हर ब्लॉक से जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और हाँ गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तुम लोगों ने, जल्दी से चलो सब्सक्राइब करो। और अब यस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब क्लिक गुड बाय।